अच्छा भाई, अभी हम लोग हैं कराबी में, हम लोगों ने बाइक निकलवाई है रेंट पे और हम लोग जा रहे हैं घूमने पर। अभी हम लोग जा रहे हैं बर्गर किंग, बड़े दिन बाद आए यहाँ पर बर्गर किंग खाने। वैसे जब हम लोग हमेशा लास्ट टाइम जब भी थाईलैंड आते थे तो बर्गर किंग ही खाते थे मोस्ट ऑफ द टाइम। आज बहुत टाइम बाद आए। नमाज पढ़ लिया पीछे इस मस्जिद में और गर्मी बहुत है यार यहाँ पे आज तो। अभी हमारा सीन पता नहीं क्या है, तो मिलते हैं फिर आप लोगों से। बारिश हो रही है और हम लोग बारिश में बाहर घूम रहे हैं और आईफोन 10 की वाटरप्रूफिंग चेक कर रहे हैं। आप लोगों को बारिश दिख रही होगी। अच्छा भाई, मैं हमजा और शहबाज हम लोग आए हैं मैक्रो पे शॉपिंग करने। हम लोग बनाएंगे आज खुद कढ़ाई, क्योंकि बड़े दिन हो गए अपने हाथ का खाना खाए हुए। और हमारे जो बाकी बॉयज हैं वो गए हुए फिशिंग पे, फिशिंग से वापस आएंगे तो खाना हमारे साथ मिलती नहीं मिलती मछलियाँ। तो हम मैक्रो से निकल रहे हैं कढ़ाई का सामान लेके। इस कूली को देखिए, ये 100 बंदों की कढ़ाई बनाएंगे और सारे जो थाई लाइन से बैठे थे ना फुटपाथ पे उनकी देख मैं आपको हमें हम तो एक पाकिस्तानी एक थैले के अंदर सब भर दिया हमने। एक चीज और बताऊं, थैला हमें अलग से मिला है 11 बात का, 11 बात पाकिस्तानी 42 रुपीज। हमने बोला हमारे मुल्क में थैले फ्री होते हैं, हमने एक में एडजस्ट कर दिया, सामान गिर रहा है इसमें। तो ये रास्ते में हम लोग सब रुके थे, बारिश हो रही है बड़ी जबरदस्त किस्म की। और क्या सिगरेट पी रहे हो? चलो ठीक है, सही अल्लाह। क्या भाई, सिलसिला ऐसा है कि हमारी ट्रिप का एक हिस्सा इख्तिताम को पहुंचने वाला है, जो कि पहुंच चुका है। तो ये भाई दानियाल भाई, आमिर भाई और हमजा भाई, ये जा रहे हैं हमें छोड़ के पाकिस्तान वापस। अजलू 2-4 दिन के बाद वापस आएगा पाकिस्तान। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि कुछ शूट बाकी है और दूसरा रीज़न ये है कि भाई का दिल लग गया। अजलू को हम अलविदा कहेंगे 5 तारीख को, फिर मैं और असद ट्रैवल करेंगे सिंगापुर के लिए। ये सरप्राइज ये था कि सिंगापुर सिर्फ 2 लोग आ रहे हैं, मैं और असद। और जाने से पहले एक छोटी सी बात ये कि ये नहीं ऐसे नहीं, ये Thank you.